हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ गई हूँ ऐसी रेसिपी, शायद ही आप कभी बनाए होंगे और खाए होंगे। तो चलिए, देरी किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है रेसिपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है कढ़ाई, उसमें मैं डाल दी हूँ 2 बड़े चम्मच घी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी, ये जो मोटा वाला सूजी होता है वो मैं ले रही हूँ, 1 कटोरी सूजी है। और मेरा घी एकदम मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी सूजी और अच्छे से इसको मैं भूनूँगी। इसको एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है। हाई फ्लेम कर देंगे तो क्या होगा कि जल जाएगा और कच्चा रहेगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मैं भून ली हूँ और देखिए कितना अच्छा से हो गया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसी कटोरी से, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी और इसको डाल करके इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। और एकदम देखिए कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हो रहा है। और इतना ही नहीं, और भी कुछ इसमें ऐड करना है तभी तो सूजी का मिठाई एकदम बन करके तैयार होगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कटोरी दूध, इसमें मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छे से मैं घोल लूँगी। देखिए कितना अच्छा से पूरा एकदम मिल चुका है। और इसको मैं जो सूजी का बना करके रखी थी इसी में मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी, इसको मिला दूँगी पहले, क्योंकि नीचे तले में क्या होता है कि बैठ जाता है, तो इसको मिलाना ज़रूरी है। और इसको धीरे धीरे एक बार में सब ऐड नहीं करना है और इसी तरह से ऐड कर दूँगी और फिर से अच्छे से मैं मिला लूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट। और सच में फ्रेंड, ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर बना करके खाइएगा और बहुत कम दूध में भी बन जाते हैं। और कस्टर्ड पाउडर का स्वाद बहुत टेस्टी लगता है इसमें। इसमें मैं फिर से थोड़ा सा घी डाली हूँ। इसमें घी डालना बहुत ज़रूरी होता है, घी डालने से इसका स्वाद बहुत बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से आप लोग ज़रूर बना करके खाइए। और देखिए कितना अच्छा से हो चुका है, एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 डब्बा इस तरह का है, जो टिफिन वगैरह नहीं होता है वही। और इसमें मैं रख दूंगी, अब पहले गर्म था इसको मैं ठंडा कर ली, उसके बाद मैं इसको अच्छे से रखूँगी। पूरा भी ठंडा नहीं करना है, पूरा ठंडा हो जाएगा तो सेट नहीं हो पाएगा। इतना ठंडा करना है कि हाथ जले ना। और देखिए एक छोटू मोटू बना ली हूँ और एक इतना बड़ा बना ली हूँ। इस पर मैं इसको मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से पूरा सेट कर ली हूँ। देखिए इसको मैं ड्राई फ्रूट से सजा दूँगी और सेट होने के लिए रख दी थी मैं। यदि आप सेट नहीं भी करेंगे तो आप 1 घंटा के लिए इसी तरह से छोड़ दें, अपने आप सेट हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है, वाओ। तो है ना एकदम यूनिक रेसिपी, तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए आप लोग भी। इस तरह से बना करके खाइएगा तो कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ ये आप सूजी से बनाए हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा चेरी मिला दी हूँ, ये तो बच्चों का बहुत फेवरेट है, इसीलिए मैं डाली हूँ। आप चाहें तो डालें या ना डालें, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।